नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत का एक ऐसा क्रिकेटर जिसका हुआ था डेंजरस कार एक्सीडेंट, जिसके चलते कई लोगों ने कहा कि अब इसका क्रिकेट करियर हो जाएगा खत्म। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं ऋषभ पंत। क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें। इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत वाज इंजर्ड आफ्टर ही मेट विद अ कार एक्सीडेंट। ऋषभ पंत का जन्म उत्तराखंड में हुआ, जहां क्रिकेट का कोई ट्रेडिशन नहीं था, इसीलिए टीनेज में ऋषभ को क्रिकेटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी जाना पड़ता था। उसके बाद ऋषभ ने दिल्ली में रुकने का और कोच तारक सिन्हा के पास कोचिंग लेने का निर्णय लिया। 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत का सिलेक्शन हुआ। उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत ने फास्टेस्ट 50 कम्प्लीट की और अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे फास्टेस्ट 50 कम्प्लीट करने का रिकॉर्ड उसने अपने नाम किया, जिसके कारण दिल्ली डेयरडेविल्स ने इमीडिएटली ऋषभ को आईपीएल के लिए अपने टीम में शामिल किया। 2016-17 रणजी ट्रॉफी सीजन में ऋषभ पंत ने महाराष्ट्र के अगेंस्ट अपनी ट्रिपल सेंचुरी कंप्लीट की एंड झारखंड के अगेंस्ट 48 बॉल में सेंचुरी मार के न्यूज की हेडलाइंस में छा गए। एंड एट द एज ऑफ 19 ही वाज गिवन एन इंडियन डेब्यू इन T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट इंग्लैंड। पर अप्रैल 2017 को ऋषभ पंत के ऊपर दुखों का पहाड़ गिर गया। ऋषभ के पापा का हार्ट अटैक के कारण देहांत हुआ। उस समय ऋषभ पंत की एज सिर्फ 20 इयर्स थी। अप्रैल के उसी मंथ में आईपीएल भी शुरू था। पापा के छोड़ के जाने के बाद भी ऋषभ ने अपने खेल पर पूरी तरह से कंसंट्रेशन किया और आईपीएल के उस सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए 14 मैचेस में 366 रन किए। 2018 के आईपीएल में ऋषभ पंत ने 684 रन किए और साथ में सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी बन गए और उनका स्ट्राइक रेट 173.60 था। ओडीआई क्रिकेट में ऋषभ पंत को अपनी जगह बनाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस समय पर एमएस धोनी ऑलरेडी कीपर के पोजीशन पर थे। बट सरप्राइजिंगली पंत को अपॉर्चुनिटी तब मिली जब वृद्धिमान शाह 2018 के इंग्लैंड टूर में इंजर्ड हुए। ऋषभ ने इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से यूज किया और ओवल में इंग्लैंड के अगेंस्ट सेंचुरी कंप्लीट की। ऋषभ कंटिन्यूअसली टेस्ट क्रिकेट में इंप्रेस कर रहे थे इन बोथ होम एंड अवे। मोहाली के ओडीआई क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब ऋषभ पंत अपनी ग्लव से स्ट्रगल कर रहे थे, तब पूरा क्राउड ऋषभ को फॉर्मर कैप्टन एमएस धोनी के नाम से चिढ़ा रहा था। फिर भी इंडियन टीम के कई सारे बड़े प्लेयर्स ने ऋषभ का साथ दिया। आईपीएल में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस करने के बावजूद वर्ल्ड कप 2019 के ओरिजिनल स्क्वाड में ऋषभ का नाम नहीं था, बट शिखर के इंजर्ड होने पर ऋषभ को चांस मिला। आफ्टर वर्ल्ड कप 2019 सिलेक्टर ने ये अनाउंस किया कि हम लोग ऋषभ पंत को धोनी के लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रहे हैं। पर कम स्कोर्स इन ऑल फॉर्मेट्स, एग्रेसिव स्टाइल एंड गलत शॉट सिलेक्शन के चलते कोचेस ने ऋषभ के ऊपर सवाल उठाए। 2019 और 2020 के होम सीजन में क्राउड एंड मीडिया ने पंत के बैटिंग एंड कीपिंग को क्रिटिसाइज किया और टीम के सीनियर्स को उन सवालों के जवाब देने पड़े थे। यू नो फॉर समवन लाइक हिम आल्सो टू कम एंड प्ले ही नीड्स सम टाइम इन द मिडल टू स्पेंड एंड सी what the pitch is doing, get used to the condition. Again, we know what he can do with the bat. He just needs confidence. KL Rahul के आने पर eventually पंत white ball cricket से out हो गए। 2020 के IPL में खराब performance के कारण उन्हें white ball squad के Australia tour में भी नहीं लिया गया। 2021 में खेले गए Border Gavaskar Trophy में ऋषभ पंत को starting 11 में जगह नहीं मिली, पर third test में जब ऋषभ को chance मिला, तब पंत ने दिखा दिया कि उनके पास still वो ability है जिनमें Indian people उनमें Indian cricket का future देख सके। जिस मैच में इंडिया के पास कोई उम्मीद नहीं थी, उस मैच में लास्ट डे पर 97 की पारी खेलकर ऋषभ ने यह मैच ड्रॉ किया और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सीरीज डिसाइडर मैच में गाबा में ऋषभ पंत एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने नॉट आउट 89 रन की पारी खेलते हुए भारत को एक अविश्वसनीय जीत दिलाई। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश, ले जाएंगे ये ट्रॉफी इंडिया वाले, ले जाएंगे और रह जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले, देखते रह जाएंगे।
गाबा के बाद इंडियन क्राउड का ऋषभ को लेके बिहेवियर चेंज हुआ। अब हर मैच में क्राउड ऋषभ को सपोर्ट करने लगा, रिस्पेक्ट देने लगा। 2021 एंड 2022 ऋषभ पंत के लिए अच्छे रहे। अब दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी भी ऋषभ के पास आई थी। ऋषभ की विकेट कीपिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई थी। अब क्रिकेट फैंस को ऋषभ पंत में नेक्स्ट धोनी दिखने लगा था। पर 2022 साल खत्म होते होते 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत का बहुत डेंजरस कार एक्सीडेंट हो गया। उनको मेजर इंजरी हुई जिसके चलते ऋषभ क्रिकेट से दूर हो गए। पर ऋषभ का क्रिकेट से इतना प्यार था कि वो आईपीएल 2023 में अपने टीम दिल्ली कैपिटल से जुड़े रहे। एक्सीडेंट के एक साल के बाद दिसंबर 2023 को दुबई में हुए आईपीएल 2024 के ऑक्शन में ऋषभ पंत अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स के साथ दिखे। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ऋषभ आईपीएल 2024 में कमबैक करेंगे। उनके फ्रेंचाइजी के एक अधिकारी ने ये भी कहा कि ऋषभ फरवरी तक पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये ऋषभ पंत की हार्ट टचिंग स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताना।